हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास विवेकानंद जी की आत्मकथा की एक बुक है जो लेखक शंकर जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज हम जानेंगे विवेकानंद जी की बचपन की कहानियाँ। तो आइए जानते हैं। विवेकानंद जी के जन्म से पहले उनके माता पिता बहुत वर्षों तक पूजा अर्चना और उपवास किया करते थे और उनकी माँ उनके जन्म से पहले बहुत सारे व्रत और प्रार्थना किया करती थी ताकि अच्छे से उनका जन्म हो सके और बिना कोई परेशानी का। तो इस वजह से जो भी जब उनका जन्म हुआ तो उनमें जो गुण रहा, जो भी धार्मिक और सांस्कृतिक जो भी गुण था वो उनकी माँ की वजह से था, क्योंकि उनकी माँ पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास किया करती थी और पूजा पाठ काफ़ी किया करती थी। तो इस तरह से एक और इसमें बताया गया है कहानी की, जब उनकी माँ जो हर दिन जो होता था वहाँ पर उनके घर में, उनकी माँ सुबह में खाना नहीं खाया करती थी, भोजन ग्रहण नहीं करती थी। वो सुबह का खाना दोपहर में किया करती थी और बहुत सारे काम किया करती थी। और विवेकानंद जी और उनके पिता सुबह का भोजन तो सुबह कर ही लेते थे 10 बजे तक, और उनकी माँ ऐसे ही करते करते दोपहर 2 बज जाता था काम काम करते हुए, खाना खाते हुए। और अगर उसी बीच में अगर कोई अतिथि या कोई भी ऐसा व्यक्ति आ गया भूखा, तो वो अपना भोजन छोड़ करके और अपना भोजन उस व्यक्ति को दे दिया करती थी ताकि वो भूखा ना रहे। और उन जो भी इसमें बाद में अपने लिए कुछ जुटा लेने की कोशिश किया करती थी उनकी माँ। और ऐसा था कि उनका जीवन, जो दैनिक जीवन था, वो उन्हें पसंद भी था और इसी वजह से उनकी माता जो है वो देवी रूप में पूजा किया करती थी। हमेशा देवी देवियों का और बहुत सारे देवताओं का पूजा किया करती थी। और इस तरह में एक और घटना उसमें बताया गया है कि जब वो 2 वर्ष के थे तो वे अपनी साइंस के साथ कौपीनधारी वैरागी बनाकर खेला करते थे, और अगर कोई साधु अगर भीख मांगने आता था तो उनकी जो उनकी माता थी या फिर उनके घर वाले जो थे वे उन्हें ऊपर उन कमरे में लेकर के ऊपर में बंद कर दिया करते थे। और इसलिए क्योंकि वे डरते थे कि कहीं वो किसी को कुछ दे ना दे, कोई भी भिखारी आया, कोई भी कुछ आया तो उनको कुछ दान ना कर दे, इस वजह से वो डरती थी और ऊपर में बंद कर दिया करती थी। और इसमें एक और बताया गया है कि जब भी वो शरारत करते थे ना तो उनकी जो माँ थी, उनके जो परिवार सब थे घर वाले, वो क्या करते थे कि अगर वो हुड़दंग मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा तो बस ठंडे ठंडे पानी लेकर के उनके सर में डाल दिया करते थे 1 बाल्टी। तो इस तरह से क्या होता था कि जब पानी डालते थे ना तो वो तत्काल शांत हो जाते थे, और कभी कभी भी अगर वो सोचते थे कि हाँ थोड़ा हुड़दंग मचाना है या फिर कुछ भी वैसा दिमाग में शरारत करते थे अगर आता था, तो क्या होता था कि उनको वो सब आता था याद कि अगर फिर से हम वो सब करेंगे तो घर वाले सब फिर वैसे ही करेंगे, ठंडे पानी से 1 बाल्टी उछल देंगे पानी में, उछल देंगे सर में पानी। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें कहानी है विवेकानंद जी की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें। मैं पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और इसमें बताया गया कहानी कि बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके जो एक सहपाठी थे वो किसी मिठाई को लेकर के छीना झपटी हो गई उन दोनों के बीच। तो क्या हुआ कि उसके बदन में, मतलब कि वो बता रहे थे विवेकानंद जी कि उसके जो बदन में इतना ताकत था कि वो विवेकानंद जी से हाथों से छीन लिया करते थे मिठाई जो है सो। तो उस वक्त क्या है कि वो सोचते थे कि आखिर वो इतना इतना ताकतवर कैसे हो सकता कि वो मेरे से मिठाई छीन लिया, वो ऐसा सोचते थे विवेकानंद जी। तो फिर वो सोचते थे कि मुझे लगा कि उस जैसा दुष्ट लड़का दुनिया में अब तक कोई पैदा नहीं हुआ है। वे विवेकानंद जी है वो सोचते थे कि कैसा लड़का है, ऐसा इंसान को तो फांसी का सजा देना चाहिए, मतलब कि उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा सा ख्याल आने लगता था देख करके उसको कि किस तरह का बिहेव करता है इस तरह से। तो और भी कहानी है विवेकानंद जी की, आगे बहुत सारी है, चैप्टर वाइज हर लेसन में कुछ ना कुछ सीखने को इसमें मिल रहा है हम लोग को। हम तो शुरुआत किए हैं पढ़ने का भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का जो कहानी है वो मैं बताऊंगी। थैंक यू।